सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट यूज ग्राफिक कार्ड्स इन रिप्लेस में अभी क्या क्या प्राइस चालू है। तो सूरज सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सूरज सर अभी यूज ग्राफिक कार्ड्स के कैसे मार्केट चालू, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आया था तभी रिसेंटली ड्रॉप हो रहे थे प्राइसेस, पर अभी अच्छे खासे स्टेबल है, मार्केट अब स्टेबल हो गया है। राइट, अब क्या रेट सबका फिक्स होगा कि हाँ भाई इसका ये रेट रहेगा, इसका ये रेट रहेगा, कि बेसिक कार्ड हो चाहे हाई एंड कार्ड हो, एकदम स्टेबिलिटी है भाई। दो तीन महीने हो चुके हैं स्टेबल हुए मार्केट को, एकदम आपका उस कार्ड का वही रेट रहना, ना बढ़ेगा ना घटेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है बस, दैट्स इट। तो यही आज बताएंगे स्टार्टिंग एकदम छोटे से छोटा कार्ड, लाइक GT 710 से लेकर 3090 तक, AMD में अपना 6800 XT तक, 6900 XT तक, सारे कार्ड्स इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। पहले NVIDIA का करेंगे, उसके बाद फिर AMD का करेंगे। प्लस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस सूरज सर का ग्रुप है WhatsApp ग्रुप, उसमें आपको हर एक कार्ड के डिटेल फोटोज के साथ हर एक स्पेसिफिकेशन मिलता है, वो कितना यूज है, क्या उसका RMA हुआ है, कैसा, सब कुछ डिटेल मिलता है। तो वो आप ज्वाइन करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर, क्या क्या आपके पास अभी कार्ड्स अवेलेबल है? स्टार्टिंग करेंगे हम अपना बेसिक कार्ड से, लाइक अपना 588 GB या फिर अपना 710 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 710 किस क्वालिटी के मिल पाता है, सबसे बेसिक कार्ड है भाई 710 2 GB उनके लिए बस, जिसको थोड़ा बहुत आउटपुट ही चाहिए डिस्प्ले का, जैसे AMD CPU है, बाद में ग्राफिक कार्ड लेंगे, अभी बजट नहीं है। तो 1500 2000 2500, लाइक 730 है तो 2500 हो गया, GT 710 है तो 2000 हो गया, इस तरह के कार्ड ये मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर आगे चले अपन, ये है आपका 574 GB कार्ड है, ये 574 GB कार्ड है, ये भी बेसिक में गिना जाता है, 6500 से लेकर 7500 के बीच इसका प्राइस लाया करता है, डिपेंडिंग ऑन वारंटी एंड कैसा कंडीशन है उसके ऊपर। जैसे ये स्पेसिफिक मॉडल जो 7500 का, क्योंकि नाइट्रो प्लस है, ये थोड़ा सा अच्छा मॉडल माना जाता है 570 के टर्म्स में। ये है 1063 GB सिंगल फैन, ये भी आपका 7000-7500 रुपए के बीच में आ जाता है। 1050 Ti स्टॉक में नहीं है, बट हाँ वैसे आता रहता है, वो आपको 5000-6000 में मिल जाता है, 5000 का भी होता है, 6000 का भी होता है, मॉडल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। इसके बाद अगर देखें RX 564 GB, एक बेसिक कार्ड है, ये भी 4 GB है, ऑलमोस्ट 1050 Ti जितनी परफॉर्मेंस देता है, सेम इसका भी प्राइस है 6000 रुपए के आसपास का। 1050 Ti भी दिखने में कुछ एकदम ऐसा ही होता है। थोड़ा इससे आगे चलते हैं, लाइक अगर 1660 Ti या 1660 Super की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए ये है आपका MSI का वेंटस 1660 Super, इसमें 1 ईयर की गारंटी है, तो इस कार्ड का रेट है 12000 रुपए और 13000 भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एकदम नया कार्ड पड़ा है जिसकी वारंटी भी ज्यादा है, तो आपको 13 में मिल जाएगा। भाई कोई ऐसा है कि जिसकी वारंटी एकदम ही नहीं है, तो 2-3 महीने रहती है, तो आपको 11 में मिल जाएगा। और सर अभी कैसा न्यू में हम लोग ब्रांड्स देखते हैं, ब्रांड्स में बहुत डिफरेंस रहता है, पर यूज में किसा जो आया यूज में क्या देखिए, चाहे MSI हो, चाहे आपका ASUS का ROG Strix हो भाई, या फिर आपका एकदम गैलस का एकदम बेसिक मॉडल हो, चाहे Innovo 3D का बेसिक मॉडल हो, प्राइस एकदम सेम ही रहेगा। जैसे भाई 1660 Super है, चाहे ASUS का हो चाहे Innovo 3D का हो, 12000 है तो 12000 है, 13000 तो 13000 है। मेन जो फर्क आता है सेकंड हैंड में, वो होता है सारी वारंटी के ऊपर भाई, क्योंकि लोग सेकंड हैंड इसीलिए लेने से डरते हैं, सेकंड हैंड में वारंटी नहीं है, किसी का कोई खराब हो गया। बट हमारे पास जितने भी सेकंड हैंड कार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सब पे आपको वारंटी 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज्यादा मिलेगी। कुछ 1 मंथ वाले भी आते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन रहेगा कि भाई इस पे सिर्फ 1 मंथ है, वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए 2060 की तरफ चले, जैसे ये 2060 है, हाँ ये है एक नया RMA कार्ड, दिस इज ब्रांड न्यू, अभी कंपनी से सील भी लगी हुई है। तो ये वाला कार्ड है 16000 रुपए का, ये सिर्फ 2060 नॉर्मल वेरिएंट है। हालांकि 2060 जो एकदम बेसिक है, वो 14000 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका यूज कार्ड होगा, बट ये एक RMA कार्ड है। एक चीज बड़े लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं कि RMA और यूज में क्या फर्क है, पूछने वाला था भाई। देखिए यूज होता है, किसी ने यूज करा, वो हमें बेच के गए, अपग्रेड करके गए, हमने आपको सेल करा। RMA होता है कंपनी से रिप्लेस होकर नया आया हुआ कार्ड, उसको कहते हैं RMA। हालांकि ये एकदम प्रॉपर ब्रांड न्यू है, बट हाँ एक तरह से देखे तो नया ही है, क्योंकि अभी कंपनी से रिप्लेस होकर आया, वारंटी इसमें बस कम होती है, वारंटी आपके जितने पिछले वाले कार्ड की होती है उतनी ही मिलती है, नई नहीं मिलती, बट हाँ कार्ड एकदम नया होता है, अनयूज्ड होता है, परफॉर्मेंस विल बी लाइक एज इट इज लाइक अ न्यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नया अगर आपको 100 फ्रेम्स दे रहा है तो आपको RMA वाला कार्ड 90 देगा, नहीं वो भी 100 देगा। और RMA कार्ड्स में हीटिंग इश्यू रहते हैं क्या? नहीं नहीं भैया, क्यों रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि RMA कार्ड्स में, देखिए एक बार को यूज्ड कार्ड में हीटिंग इश्यू हो सकता है, उसी के लिए हम वारंटी देते हैं, उसी चीज के लिए हम कंपनी वारंटी देते हैं कि अगर आपके कार्ड में किसी भी तरह का हीटिंग इशू है या कुछ इशू है, तो आप उसको रिप्लेस कराइए, सही कराइए। लेकिन RMA कार्ड में किसी तरह का इशू होना, लाइक जितना नए में पॉसिबल है कि हाँ भाई 100 में से 1 तो नया खराब निकल जाता है, सेम गोस फॉर RMA, 100 में से 1 ही खराब निकलता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। अब जैसे ये है आपका 2060 यूज कार्ड, तो आपका यूज का देख सकते हो, इसमें सिर्फ 1 साल की वारंटी रहती है। ये अपना 15000 रुपए का, क्योंकि ट्रिपल फैन है, वैसे नॉर्मल 2060 14000 में आपको मिल जाता है ड्यूल फैन वाला। थोड़ा सा चलते हैं अपना, ये एक 1660 Ti है, देखिए ये काफी यूज्ड कार्ड है, ये 1660 Ti है, ये 1660 Ti आपको 12000 में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 महीने की वारंटी रिमेनिंग है। यही सब डिटेल्स मैं ग्रुप में डालता हूं, जैसे जरूरी नहीं है कि आज मेरे पास जो कार्ड हो अवेलेबल वो हमेशा रहे या 10 दिन बाद रहे, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे कि आज क्या कार्ड अवेलेबल है और उसका क्या रेट है और क्या डिटेल्स है। अब जैसे ये भी एक 1660 Ti है भाई, ये 13000 का है, अब वो 12 क्यों था, ये 13 क्यों है, क्योंकि ये RMA से आया हुआ कार्ड है, देखिए एकदम एक ये ब्रांड न्यू कार्ड है, कहीं से यूज नहीं है, इसलिए 13000 रुपए का कार्ड है। ये भी 1660 Ti 6 GB भाई, ये है आपका 2080 Super, 2080 Super कहने को 3060 से भी ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ये वाला कार्ड जो है ये सिर्फ 18000 रुपए कार्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें वारंटी सिर्फ, देखो आप इसकी कंडीशन देखो, पुराना हो चुका है, काफी यूज्ड है, 3 साल पूरा यूज्ड है, इसमें सिर्फ 1 महीने की वारंटी हम देते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये आपका 3060, दिस इज अ Lenovo OEM 3060, इट्स अ ब्रांड न्यू कार्ड, ये आपको 17-18000 में मिल जाता है, 3060 एकदम नया यूज नहीं है, बट OEM पे वारंटी सिर्फ 1 साल आती है, क्योंकि ये कंपनी इसकी पॉलिसीज है। ये भी एक 3070 Ti है, ये भी एकदम RMA कार्ड है, इसकी प्राइस जो
28 से 30 हजार रुपए के बीच में है, 28 में मिल जाता है, 29 में मिल जाता है, 30 में मिल जाता है। तो 3070 Ti की जो प्राइसिंग है वो 28 और 30-35 के बीच में लाया करती है। जैसे कि आपको अभी एक मॉडल दिखाऊंगा, ये वाला 3070 Ti जोटा है। अब इसमें क्या, ये 5 इयर्स वारंटी के साथ है, ये यूज्ड कार्ड, बट इसमें वारंटी अभी से 2 महीने गई है, 4.8 इयर्स की वारंटी इसके साथ है। इसका रजिस्ट्रेशन मेल बिल बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो इसका रेट है जो 35 है, इसका रेट है जो 29 है। अब भाई क्यों, क्योंकि ये ड्यूल फैन है और आरएमएड कार्ड है माना, बट सिर्फ ड्यूल फैन है इसलिए सस्ता है, और ये ट्रिपल फैन है वारंटी ज्यादा है, इसमें से वारंटी 2 साल है। तो ये भी है, जरूरी नहीं कि भाई 3070 Ti तो आपको हमेशा 30 का रहेगा, नहीं, वारंटी बहुत मैटर करती है सेकंड हैंड कार्ड्स में। अब जैसे मान लीजिए 3070 Ti का अगर हम नया देखें तो नया इज ऑफ लाइक 57-55, और अगर आपको सेम 5 साल वारंटी लाइक 35 मिल रहे तो इट्स अ गुड डील। और ये आधे रेट में इसलिए क्योंकि ये 2 साल वारंटी है। 26 सुपर कुछ बॉक्सेस के साथ भी मिल जाते हैं, इसका भी रेट आपका 26 सुपर का 17-16-17-18 26 सुपर का ये रेट रहता है। 3060 की अगर बात करें तो जैसे ये 3060 है, ये जोटक का 21,000 रुपया कार्ड है, इसमें 2 साल की कंपनी से भी वारंटी रिमेनिंग है। कस्टमर ने इसको रजिस्टर करना भूल गए थे तो इसमें 2 ही साल की मिल पाएगी, अदरवाइज इसमें ज्यादा होती है। 3060 का वेंटस 12 GB को कार्ड मिल जाएगा, इसमें 2.5 इयर्स की वारंटी। आप कंडीशन देख सकते हो इसकी कि हमारे सेकंड हैंड कार्ड की कंडीशन भी एकदम ब्रांड न्यू होती है। भाई कुछ कार्ड ज्यादा यूज होते हैं, कुछ कार्ड कम यूज होते हैं, तो उसी हिसाब से उनका प्राइस होता है। इसका 20,000 रुपए का रेट है। अब कोई 3060 मैंने आपको लेनोवो दिखाया था, उसका सिर्फ 18,000 रुपए का रेट था। तो कंपनी वारंटी बहुत मैटर करती है सेकंड हैंड कार्ड्स के रेट में। ओके, आते 3070 के ऊपर सर। अभी 3070 जैसे कि एक 3070 ये रहा, एक 3070 ये रहा। अब भाई ये एक बेस मॉडल है तो इसका रेट है 25,000 रुपए। ये थोड़ा सा हाई एंड मॉडल है तो इसका रेट 26-27,000 रुपए तक जा सकता है। और कुछ इससे सस्ते मॉडल भी आते हैं, लाइक जोटेक ओईएम, एक जोटेक ओईएम कार्ड है वो 23-24 हजार में मिल जाता है। 3080 की बात करते हैं, लाइक 3080 आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि एक ये कार्ड है, ये 6-7 महीने यूज हुआ है और ये एडिटिंग और गेमिंग दोनों में यूज हुआ है, माइनिंग में नहीं है। माइनिंग कार्ड आपको अलग ही पता लग जाएंगे, एकदम यहाँ पे जंग वंग आ रही होती है तो वो माइनिंग कार्ड होते हैं। तो जैसे एक ये 3080 है, अब ये इसका रेट है भाई 38-40 हजार रुपए के बीच में। एक ये 3080 है, ये 42-43 का है। ऐसा क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये एक बेसिक मॉडल है, ये एक हाई एंड मॉडल है। सेम मान लीजिए 3080 को इससे भी बेसिक होता है, इनो3D का आता है या थोड़ा और इससे कम है, तो भाई 35-36 में मिल जाता है। जैसे बैटल एक्स टाइप है तो 35-36 का मिल जाएगा। भाई आसुस रॉग स्ट्रिक्स ही आ गया, तो भाई 3080 बड़े कार्ड में फर्क पड़ता है थोड़ा सा। जैसे 3080 रॉग स्ट्रिक्स की अगर बात करें तो वो 45 तक का बिक जाता है, तो इस तरह से 3080 का रेट लाया करता है 35-45। 3090 की अगर बात करें तो भाई 3090 आपको मिलता है 50 से लेकर 60 हजार के बीच में, मॉडल और वारंटी के ऊपर। 3090 में बस स्टॉक में नहीं है, आप ग्रुप ज्वाइन करिए, जैसे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। 40 सीरीज भी हालांकि अभी लॉन्च है, बट हाँ सरप्राइजिंगली कि आ जाती है सेकंड हैंड में भी। हाँ, और एक चीज और बात करेंगे, जैसे कई लोग क्या कि सेकंड हैंड कार्ड को ही नया बोल के बेच देते हैं, ये बड़ी चीज है। आपको दिखा रहे हैं हाँ भाई सेकंड हैंड कह के ही बेच रहे हैं, नया कह के नहीं बेच रहे, भाई सेकंड हैंड कह के बेच रहे हैं। आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई कौन सा कार्ड सेकंड हैंड है, कौन सा कार्ड नया है। जैसे कि आप ये वाला कार्ड लो, अब मैं इसको अगर इसके ओरिजिनल बॉक्स में डाल के बेच दूं तो कोई बता थोड़ी पाएगा कि सेकंड हैंड है। भाई आप हमेशा सीरियल नंबर मैच करो कि कार्ड के पीछे जो सीरियल नंबर है क्या वही डब्बे का सीरियल नंबर है, और क्या डब्बे के ऊपर सील लगी है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई कार्ड और नया है कि नहीं है। दूसरी चीज, हर कार्ड के ऊपर आपके इंपोर्ट का स्टिकर लगा होता है। भाई इंपोर्ट 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा पुरानी होना चाहिए। जैसे कि अभी फरवरी 2023 चल रहा है, कोई आपको 2022 के जनवरी फरवरी का कार्ड ये बोल के दे कि भाई नया है, तो इम्पॉसिबल है सर, इतने देर तक स्टॉक किसी के पास नहीं रहता। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि किसी के पास इतना हो। हाँ, आपको सितंबर का मिल सकता है, अक्टूबर का मिल सकता है, 2022 का वो चलेगा, भैया ये नया हो सकता है, बट जनवरी का पुराना कार्ड नया नहीं है, वो कंपनी से आर्मी में कराया हुआ कार्ड है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो सर ये हो गए एनवीडिया कार्ड्स के बारे में, अभी आते हैं एएमडी कार्ड्स के ऊपर। हाँ, एएमडी की बात करते हैं। अगर एएमडी की भाई स्टार्टिंग होती है RX 6400 से, RX 6400 ये हालांकि सील पैक कार्ड है, ये 12,000-13,000 का मिल जाता है, और यूज के RX 6400 जो है वो आपको 7-8 हजार रुपए मिल जाएंगे। हालांकि RX 6400 कम ही आता है यूज में, मोस्टली जो आता है वो आता है 6600 XT, ये यूज में काफी अवेलेबल है माल। जैसे कि आप ये बताओ, ये वाला कार्ड जो इसमें 2 इयर्स की वारंटी ऑफिशियल कंपनी से रिमेनिंग है, और इसका जो रेट है वो आपका है 16-17 हजार रुपए के आसपास। इसी में अपना एक ये मॉडल आता है भाई, MSI का गेमिंग एक्स मॉडल है, थोड़ा सा मॉडल ज्यादा है तो ये 17 का पड़ता है क्योंकि इसका मॉडल अच्छा है। और अपना 67 की अगर बात करें, 6700 XT, जैसे कि ये पल्स मॉडल है, थोड़ा सा बेसिक मॉडल है, तो इसका रेट 23-24 है। कोई अच्छा मॉडल आता है तो उसका 26-27 भी हो सकता है रेट, ऐसे लाई करते रहते 6700 XT का। 6800 की अगर बात करें तो ये 6800 है नॉर्मल, नॉट XT वर्जन, इसका रेट जो होता है 30 से नीचे नीचे होता है, 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में। और अगर 6800 XT की बात करें तो इसका रेट होता है 30 से लेकर 35 के बीच में। 69 अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो वो जैसे आएगा रेट उसका बताता हूं आपको। 69 का होता है भाई 45 के आसपास का रेट होता है, 69 का स्टॉक में आता है, मिल भी जाता है। ये है एएमडी कार्ड्स के। और 79 सीरीज आएगा क्योंकि नहीं नहीं भाई 79 सीरीज देखिए नए में ही बहुत कम बिकी है, तो इसलिए सेकंड हैंड में आना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, थैंक यू सो मच सूरज सर, इतने सारे हमें यूज कार्ड्स के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग यूज ग्राफिक कार्ड और उनके प्राइसेस। आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस। बाय बाय।